आज श्रीदेवी का बर्थ एनिवर्सरी है, अपने वक्त पे जाए तो आदमी ठीक लगता है, पर अब तो उसकी उम्र ही कुछ नहीं थी। सोचने में भी तकलीफ होती है कि हम लोग उस इंसान की बात कर रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है और आज उसका जन्मदिन है। श्रीदेवी का एक किस्सा मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है। हिम्मत वाला की सिल्वर जुबली पार्टी थी हैदराबाद में, एकता छोटी थी, मैं बात कर रहा हूँ 1983 की, 83-84 की बात होगी, और तुषार, एकता, मैं, शोभा, हम लोग वो फंक्शन में गए, तो स्टेडियम में फंक्शन पूरी बहुत क्राउड, जब श्रीदेवी स्टेज पर आए लोगों ने बहुत चिल्लाया, वी वांट यू टू डांस विद हर, डांस डांस, तो मैं शर्मा रहा था, तो एकता उठी, श्रीदेवी को पकड़ा एंड शी स्टार्टेड डांसिंग विद श्रीदेवी। भाई दैट वॉज द मोस्ट, मतलब बाप नहीं कर सकता था वो, उसने किया। शी वॉज श्रीदेवी बिगेस्ट फैन, हर चीज शी यूज टू इमिटेट। वो सबके सामने खुलती नहीं थी, तो खुलती सिर्फ कैमरा के सामने थी, वो तो सारी दुनिया को मालूम है कि इंसान सोचता था कि दो श्रीदेवी हैं, एक कैमरे के बाहर और एक कैमरे के सामने। उसकी दो बेटियां जो अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी, और मैंने देखा है शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड अपनी बेटियों के साथ, और उन बेटियों को माँ की बहुत सख्त जरूरत थी। शूटिंग के अंदर अब्रॉड में थे तब सब लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए थे, and she became very thin, fit, slim, exercise, and she had a huge chocolate ice cream, बहुत बड़ी, वहाँ से खाती हुई आ रही हैं, और जीतू जी को बोला कि जीतू जी मैं आज 2.5 साल के बाद आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे परिवार वाले कहाँ से खाएंगे, हमको बहुत फिट रहना पड़ता है। उसके बाद एक जीतू जी ने आइसक्रीम ली, एक मैंने आइसक्रीम ली, तो पूरा यूनिट को उन्होंने फिर आइसक्रीम खिलाई। इतनी पिक्चरें उसके साथ थी, कभी मुझे एक मिनट के लिए उसने वेट कराया, शी इज ऑन द डॉट सेट पे, और प्रोड्यूसर्स, मुझे मालूम है प्रोड्यूसर्स जो उसको बॉम्बे लेके आए थे या जो मद्रास में या कहीं कहीं भी शूटिंग पे जाते थे, होटल में टेलीफोन बिल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो पर्सनल अकाउंट में डलवाती थी, सिर्फ लॉजिंग एंड बोर्डिंग और फालतू खर्चे, जो गेस्ट आए तो उनका खाना पीना शी यूज्ड टू पे बाय ओन। मेरी और श्रीदेवी जी की ऑल टाइम फेवरेट मूवी दो हैं, एक तो तोहफा है, आओ ललिता, मैं बहुत हर्रामी और सूर किस्म का आदमी हूँ, ये थी तोहफा जिसमें आओ का लेबल ऐसा लगा। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पहले दिन हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टूडेंट्स को जेल में भेजा गया था। पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहे थे, आओ आओ। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया था। मुझे फर्स्ट डे की शूटिंग याद है, जब मुझे ये आओ बोलना था और के रघुविंदर राव साहब ने बोला कि कट, दूसरा मैंने आओ बोला, बोले कट, ऐसे करते करते 32 रीटेक हो गए, और मुझे लगा कि ये आउ की वजह से शायद मुझे फिल्म से बाहर निकाल रहे हैं। जब मेरा टेक ओके हुआ तो श्रीदेवी जी ने 32 टेक तक अपनी हंसी रोकी हुई थी, और जब डायरेक्टर ने बोला कि ये टेक ओके है, और श्रीदेवी जी बोली मुबारक हो आपका ये टेक ओके हुआ है, अगर और 3-4 रीटेक होते तो शायद आपकी शाम की टिकट बॉम्बे की हो जाती। चाल बाज जहाँ मैं, मेरा तकिया कलाम था कि मैं एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, और फिर भी मैं विलन था, जहाँ मैं एक श्रीदेवी को डराता था फिर दूसरी श्रीदेवी मुझे डराती थी, मेरी हालत खराब करती है और मुझे फिर बोलती है कि बलमा बोलो, मैं बलमा बोलता हूँ, फिर बोलती है गा के बोलो, फिर मैं बोलता बलमा, फिर बोली कि रो के बोलो, मैं बलमा। तो ये हम लोगों ने सेट पे ही इम्प्रोवाइज किया था। ऐसा हुआ एक बार, मैं, रेखा भी मेरे साथ देख रही थी, हम दोनों एक तेलुगु फिल्म देख रहे थे, तो रेखा वो सपोज टू प्ले द फीमेल लीड, तो रेखा ने जब वो, जब हम तेलुगु पिक्चर देख रहे हैं तो मुझे घड़ी घड़ी बोले, मेरे को रवि बोला, मेरा नाम रवि है, बोली रविया रविया इसके साथ काम करना, तू इसके साथ काम करना। मैंने कहा रेखा मैं इसके साथ करूँगा काम जरूर। जिस पिक्चर के लिए रेखा देख रही थी फिल्म, ये मैं हिम्मत वाला की बात कर रहा हूँ, शायद उसमें उसकी डेटें नहीं मिली या क्या हुआ, पिक्चर के डायरेक्टर थे राघवेंद्र राव,
तो राघवेंद्र बोला कि श्रीदेवी को लेते हैं। डांस मास्टर ने बताया हमको मूवमेंट, मूवमेंट करने के बाद फिर हम दोनों करें, मैं एक रिहर्सल हो, दो रिहर्सल, वो दो रिहर्सल में शी इज रेडी फॉर टेक। जब तक मैं मेरा परफेक्ट नहीं हो वो रिहर्सल करती थी मेरे साथ। मैं उनको जानता हूँ कि जब शूटिंग पे आती थी अपनी माँ के बिना हिलती नहीं थी, और उनकी माँ उनको कभी भी अकेला छोड़ती नहीं थी, उनकी माँ उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। तो वो प्रोटेक्टिवनेस जो इनकी माँ को श्रीदेवी के लिए थी, वही श्रीदेवी के लिए उनके बच्चों के लिए हो गई। एंड माई हार्ट गोज टू बोनी। बहुत फ़र्क पड़ता है जब मैं अभी कभी ज़िंदगी में सोचूं कि आज मेरे दो बच्चे हैं और मेरी बीवी, हम लोग इतना एक साथ हैं, और हमारे परिवार में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। हाउ विल आई लुक आफ्टर एवरीथिंग व्हेन यू थिंक ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई हैट्स ऑफ टू बोनी हु इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन सो वेल। एंड आई एम सो हैप्पी द फैमिली इज बिकम वन, अर्जुन and Janvi and the other daughter and Boni ek dusre ke sath and Anil Kapoor, they all know ki how to get the family back together। Boni ko akela nahi chhodna hai। I'm very proud of this family।